नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम आप जुड़ चुके हो एंटी क्राइम न्यूज से, मैं हूं आपके साथ प्रभात सिंह। आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर पिछले कई दिन पहले जो एक प्रोजेक्ट चला था अपोलो मेडिकल स्किल्स, इसके दौरान कुछ जो 12वीं पास वाले बच्चे हैं उनको दिल्ली हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और वो ट्रेनिंग जो है वो 9 मंथ के लिए चलेगी, और उसके बाद इन बच्चों को जॉब भी मिलेगी। इसके बारे में आज अवेयरनेस जो कैंप लगाया गया था हमारे साथ, हम बताएंगे आपको 200 से करीब जो हमारे साथ बच्चे आए हुए थे, 163 ब्रिगेड ने ये प्रोजेक्ट चलाया है, और कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और आइए हम उनको पूछते हैं कि पूरा ये इसके विषय में हम जानना चाहते हैं ये क्या विषय है, और हम बात करेंगे कुछ जो हमारे साथ मौजूद लोग जुड़े हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम जी? मेरा नाम कैप्टन रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह साहब, आप ये बताइए जो आज अपोलो मेडिकल स्किल्स कैंप लगा हुआ था इधर, इसके विषय में आप बताइए। देखिए जी, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको हमाइत प्रोजेक्ट करके बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से है, और जो लड़के 12वीं पास किया है जिन्होंने और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे स्टाफ आया हुआ है जो कि बच्चों को यहाँ कुछ कोर्सेज हैं दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और हम बच्चों को ये कोर्सेज कराने के बाद जो है हॉस्पिटल में उनको प्लेसमेंट किया जाता है। और ये उनका एक प्रोग्राम था जो कि यहाँ फौज की तरफ से ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया, और बच्चों को उसके बारे में जानकारी दी गई। आपसे कुछ विचार मैं साझा करूँगा। सबसे पहले जो इनका एक बच्चों जो बच्चे जो पांचवी पढ़े हुए बच्चे पांचवी पास किए हुए हैं या फिर एट पास किए हुए हैं वो सैनिक स्कूल में जिनकी एज 11 साल से कम है जो छठी में जाके वहाँ इनरोल होंगे, और जिनकी एज 14 साल से कम है और वो बच्चे जाके 9th क्लास में इनरोलमेंट होंगे। तो आज ये बहुत ही अच्छा यहाँ प्रोग्राम था कि जो जिनकी नौकरी लगती जो 12th पास है हमारे भाई बहन उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था ये कि उनको मतलब ट्रेनिंग करनी 2 साल की, 2 तरीके की ये ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के बाद उनको जॉब मिल सकती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी आर्मी वालों की तरफ से।